हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में डिफरेंस बिटवीन सोशल एंड कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, कि किस तरह से सामाजिक और संज्ञानात्मक रचनावाद या रचनात्मकतावाद में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो टॉपिक बीएड में है, मुझे आपके सब्जेक्ट का नहीं पता कि किस में ये टॉपिक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरी आई थी तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है, ऐसा मैं सोचो बहुत टॉपिक है, बहुत सिंपल सा है। इसमें हमें बेसिकली बस प्याजे की थ्योरी पढ़नी है और वाइगोट्साय की थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, और बाद में हम बच्चों की तरह डिफ्रेंशिएट कर देंगे अलग अलग चीज़ों को। ठीक है, तो जल्दी से पढ़ते हैं क्या होता है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म और कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म में डिफरेंसेस। ठीक है, तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके जाना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। ओके, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले पढ़ते हैं कि नॉर्मली कंस्ट्रक्टिविज्म या रचनात्मकतावाद या रचनावाद बेसिकली होता क्या है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, एक अप्रोच है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल अपने नॉलेज को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है। मतलब हम उसको, आप यूँ कह सकते हो कि हम उसको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं या पजल के टुकड़े दे देते हैं, और किस तरह से उसको बाइंड करना है, किस तरह से अटैच करना है, वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपने आप करता है। और इस तरह से वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है या अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, और उसमें हेल्प क्या करती हैं उसकी चीज़ें, उसकी प्रीवियस नॉलेज हेल्प करती है और उसका सोशल एनवायरनमेंट हेल्प करता है। ठीक है, कि किस तरह से इंफॉर्मेशन को नॉलेज की फॉर्म में स्टोर करना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म का प्रिंसिपल या सिद्धांत क्या है, उसका सिद्धांत ये है कि ह्यूमन बीइंग जो हैं, जो इंसान हैं, उनमें जो नॉलेज है वो कॉन्टीन्यूसली या निरंतर बनती ही रहती है। हम अपनी प्रीवियस नॉलेज में कोई ना कोई नई चीज़ एड ऑन करते रहते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में भी क्या है कि हम बच्चों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं, डाटा दे देते हैं, या यूँ कहो कि हम उनको पजल के टुकड़े दे देते हैं, लेकिन पजल्स को कैसे अटैच करना है वो बच्चे डिसाइड करते हैं। ठीक है, चलो, तो कंस्ट्रक्टिविज्म बेसिकली तीन तरह के होते हैं। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, जो कि डिपेंड करता है जीन पियाजे के वर्क पे, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म बेस है वाइगोट्स्की के काम पे, और एक है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म को हम पढ़ेंगे जब अच्छे से हम कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ लो कि रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि सभी तरह के नॉलेज क्या है ना, कंस्ट्रक्टेड है या जिसका निर्माण हुआ है। ये कहते हैं कि इसमें हमारी सेंसेस का यूज नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली स्टार्ट करने से पहले सिंपल सा समझ लो कि कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि नॉलेज का निर्माण करने के लिए, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारा समाज बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है या हमारा कल्चर बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और हम अपने एनवायरमेंट से ही सीखते हैं कि किस तरह से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना है। लेकिन कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि खुद की मेंटल एबिलिटी या खुद की कॉग्निटिव स्किल्स जरूरी हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को समझने के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा ब्रॉडर टर्म है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, जहाँ पे एनवायरमेंट रोल प्ले करता है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में, लेकिन उस नॉलेज को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है वो किस पे डिपेंड करता है, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म भी, कि मेरा खुद का माइंड कैसे चीज़ों को समझ रहा है, कैसे प्रोसेस कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? चलो, तो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म बेसिकली कहता है कि नॉलेज कंस्ट्रक्ट की जाती है एज पर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस के तहत। ठीक है, मतलब जिस इंडिविजुअल में जैसी मेंटल एबिलिटी होगी वो उसी तरह से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। जैसे कि पियाजे की चार स्टेजेस है ना, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल और कॉन्क्रीट, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो इसमें क्या है सिंपल, कि अगर हमारी स्टेज उस लेवल की नहीं है तो जो भी ज्ञान है हम उसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर हमारी मेंटल एबिलिटी उस लेवल की है तभी हम नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और वो डिपेंड करता है हमारी कॉग्निटिव स्टेजेस के ऊपर। ठीक है, मतलब अगर मैं फिजिकली इस लेवल का नहीं हूँ, मेरा माइंड इस लेवल का नहीं है, तो मैं नॉलेज को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ब्रूनर क्या कहते थे, ब्रूनर कहते थे कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को अगर स्टेप वाइज मैनर में अरेंज कर देंगे तब हम कोई भी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन बच्चे को समझा सकते हैं। तो पियाजे ने और क्या कहा था, पियाजे ने कहा था कि इंडिविजुअल्स क्या हैं, अपनी नई इन्फॉर्मेशन को पुरानी नॉलेज में ऐड करते रहते हैं, और पुरानी नॉलेज क्या है, जो भी ऑलरेडी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो स्कीमाज हैं, उसमें हम नई इन्फॉर्मेशन को ऐड कर लेते हैं और वो हमारी बन जाती है नई नॉलेज। और ये नई नॉलेज बनती कैसे, हमारा उस कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज पे होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इन्होंने क्या कहा कि हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की चीज़ें बच्चों को प्री ऑपरेशनल स्टेज पे नहीं बता सकते।
गेटिंग ऑन पॉइंट। तो पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में बेसिकली तीन कंपोनेंट थे, स्कीमास थे जिसको कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज, मतलब प्रीवियस नॉलेज होती है और उसमें नई इन्फॉर्मेशन एड ऑन होती रहती है, नई नॉलेज बनती रहती है और ऐसे ही पूरी लाइफ चलती रहती है। एडेप्टेशन की बात करी, एडेप्टेशन ये ओवरऑल सिचुएशन होती है। एडेप्टेशन कैसे होता है, सपोज किसी बच्चे को बता दिया हमने कि दो सींग होते हैं, चार टांगे होती हैं और इसकी टेल होती है वो भैंस होती है, तो इस इन्फॉर्मेशन को बच्चे ने एसिमिलेट कर लिया। एक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ गई कि बच्चे को पता चल गया कि अगर किसी एनिमल में ये कैरेक्टरिस्टिक है तो वो बफेलो है या भैंस है। चलो अब क्या हुआ, नई सिचुएशन आई, बच्चे ने गाय देख ली जिसकी सभी कैरेक्टरिस्टिक सेम है, तो उसके मन में डिस इक्विलिब्रियम हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब उसको पता चलेगा जो नया एनिमल है वो गाय है, मतलब जिसका व्हाइट कलर होता है इसको गाय कहते हैं, काव कहते हैं। अब बच्चा इस नई इन्फॉर्मेशन को पुरानी नॉलेज के साथ एक्युमुलेट करेगा, उसमें एड ऑन करेगा, जो भी उसके प्री एग्जिस्टिंग स्कीमाज है उसमें एड ऑन करेगा और ये धीरे धीरे उसके माइंड में एसिमुलेट हो जाएंगी, अवशोषित हो जाएंगी। इस ओवरऑल प्रोसेस को कहते हैं एडेप्टेशन। हमारी पूरी लाइफ ऐसे ही चलती रहती है अगर आप डीप में सोचो, है ना। हमारे मन में ऑलरेडी कोई थिंकिंग होती है, नई सिचुएशन आती है, डिस इक्विलिब्रियम हो जाता है, हम पजल हो जाते हैं कि क्या है ये, हमें कोई बताता है कि ऐसा ऐसा होता है तो हम उस नई इन्फॉर्मेशन को पुराने नॉलेज में एड ऑन कर लेते हैं और वो फिर एसिमिलेट हो जाती है और ये ओवरऑल स्टेप्स चलते रहते हैं। जीन पियाजे की स्टेजेस क्या थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, सेंसरी मोटर स्टेज बर्थ से लेके 2 साल तक जिसमें बच्चा अपनी एक्टिविटी से सीखता है, देन है प्री ऑपरेशनल स्टेज या जो 2 से 5 साल तक होती है जिसमें एनिमिज्म होता है कि बच्चे को लगता है सभी नॉन लिविंग थिंग्स में जीवन है, उनमें लाइफ है, मतलब टेडी बियर गिर जाता है तो बच्चे रोने लगते हैं। चलो देन है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 से 11 साल तक होती है, इसमें क्या है बच्चा लॉजिक्स यूज करने लगता है लेकिन उसके लिए फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, मतलब उसको दिखना चाहिए कि ये चीज़ें होती हैं, उसी पे वो अपने लॉजिक अप्लाई कर सकता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि 11 साल से लेकर एडल्टहुड तक होती है, इसमें क्या है बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। ठीक है, मतलब वो सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने लगता है और वो अपनी थ्योरीज को यूज करने लगता है, मतलब हाइपोथीसिस बनाने लगता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये था कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म जिसमें ये बात करते हैं स्टेजेस के बारे में, प्रीवियस नॉलेज के बारे में और इंडिविजुअल फिजिकल ग्रोथ के बारे में। ठीक है, चलो देन आते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में जिसमें जॉन डी कहते हैं, जॉन डी फिलोसफर थे, एजुकेशन में बहुत ही नाम था इनका। तो ये कहते हैं कि लर्निंग इज ए सोशल एक्टिविटी। ठीक है, देन 1978 में वायगोत्स्की ने थ्योरी अपनी प्रस्तुत करी जिस सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के, जिसमें उन्होंने पियाजे के वर्क को थोड़ा नकारा। उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल ग्रोथ तब तक नहीं हो सकती जब तक वो सोसाइटी से हेल्प ना ले। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने कहा कि एनवायरमेंट बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमें कि किस तरह से सोचना है, क्या सोचना है और मीनिंग मेकिंग में हेल्प करता है कि कोई चीज़ अगर है तो उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, मतलब यहाँ पे है ब्रॉडर सेंस में। ठीक है, यहाँ पे मीनिंग जो है ना ब्रॉडर सेंस में इसको इस्तेमाल करना कि ओवरऑल चीज़ों का मतलब क्या है, क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं। ठीक है, और इन्होंने कहा कि जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें शेयरिंग जरूरी है और हम किस तरह से सोसाइटी में नेगोशिएट करते हैं, मतलब यहाँ पे नेगोशिएशन का मतलब है बात करना है, और किस तरह से ये सभी चीज़ें हमें नॉलेज को कॉन्स्टिट्यूट करने में या कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करती हैं। आप सपोज करो कि अगर हम इस इंडिविजुअल को किसी जंगल में छोड़ दें तो इसमें कॉग्निटिव स्किल होगी या नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि सोसाइटी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है अलग अलग चीज़ें सीखने के लिए। ठीक है, जैसे फैमिली, नेबरहुड, स्कूल और ओवरऑल सोसाइटी। चलो यहाँ पे सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पे वायगोत्स्की की थ्योरी थी जिसमें वो कहते हैं कि इंडिविजुअल को अगर कोई काम नहीं आ रहा है तो वहाँ पे वो पेरेंट्स मदद लेता है या अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों की मदद लेता है और वहाँ पे एक्सपीरियंस पर्सन क्या करता है, उसको सपोर्ट करते हैं, उसको स्कैफोल्डिंग का काम करते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे लर्नर है एक इंडिविजुअल, इसको ऐसे काम आते हैं जो खुद से कर सकता है और ऐसे काम है जिसको वो दूसरे की हेल्प के बिना नहीं करता है, तो इसको कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमल का मतलब है समीपस्थ। और यहाँ पे एक चीज और कहते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे इंडिविजुअल का मैच्योर होना काफी नहीं है। यहाँ पे वो पियाजे के काम को थोड़ा क्रिटिसाइज करते हैं और वो कहते हैं कि केवल मैच्योर होना या मेंटली मैच्योर होना जरूरी नहीं है, मेंटली मैच्योर होने के साथ साथ क्या है सोसाइटी से हेल्प लेना और गाइडेंस लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि जो भी ज्ञान है ना उसको बनाने में हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है और ये कहते हैं कि लर्निंग क्या है,
कोलैबोरेटिव प्रोसेस है जिसमें सभी लोगों का बहुत ही ज़्यादा योगदान है और इंडिविजुअल्स नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, नॉलेज क्या या ज्ञान का निर्माण करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोसाइटी और कल्चर, मतलब समाज और संस्कृति से ही हम अपने ज्ञान का निर्माण ज़्यादा करते हैं। ठीक है, और ये सही भी है, मतलब आप खुद से आप कितना पढ़ोगे, आप किसी जंगल में अगर आप किसी बच्चे को छोड़ दोगे तो वो कितना पढ़ेगा या कैसे चीज़ों को सीखेगा, वो वहाँ पे डिस्कवरी लर्निंग तो करेगा लेकिन डिस्कवरी लर्निंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। नए सिरे से चीज़ों को समझना, नए सिरे से चीज़ों को जानना, को प्रोसेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर गाइडेंस मिल जाती है, अगर ऐसे लोग मिल जाते हैं, एक्सपीरियंस लोग मिल जाते हैं, तो आपको चीज़ें सीखने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए वाइगोट्स्की कहते हैं कि लर्निंग क्या है, कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। आई होप आपको समझ आ रहा है। चलो यहाँ पे सिंपली अब डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म या कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या डिफरेंस है? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि एनवायरनमेंट या सोसाइटी क्या है प्राइमरी है, बायोलॉजिकल कॉग्निशन क्या है सेकेंडरी चीज है। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि इंडिविजुअल ग्रोथ या मतलब बायोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या प्राइमरी है। ठीक है, इसमें मोटिवेशन कहता हो कैसा होता है, इसमें मोटिवेशन होता है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों, मतलब बाहरी और आंतरिक, और इसमें मोटिवेशन होता है केवल इंट्रिंसिक। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे टीचर क्या करता है, टीचर नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ कोलैबोरेटिव वर्क। ठीक है, कोलैबोरेटिव वर्क होता है जब हम सबके साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं, लर्न करते हैं। यहाँ पे डिस्कवरी लर्निंग को ज़्यादा महत्व दिया जाता है या नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करने की बातें ज़्यादा करी जाती है। ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या है, नॉलेज सोशली कंस्ट्रक्ट होती है, मतलब जहाँ पे हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, सोसाइटी में दूसरे लोग हमारी हेल्प करते हैं नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में। ठीक है, इस यहाँ पे क्या है, नॉलेज हमारी प्रीवियस नॉलेज के साथ एड ऑन होती जाती है, जो भी हम नई चीज़ें सीखते हैं वो हमारी प्रीवियस नॉलेज में एड ऑन होती जाती है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में किसी भी ऐसे स्टेजेस के बारे में ज़्यादा नहीं कहा गया है। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म में एम्फेसाइज किया गया है स्टेजेस के बारे में कि पर्टिकुलर स्टेज होनी चाहिए तभी आपको कोई पर्टिकुलर स्किल्स आएगी। ठीक है, वाइगोट्स्की हमेशा कहते हैं कि कॉग्निटिव एबिलिटीज क्या हैं, सोशली गाइडेड हैं और सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं। ठीक है, मतलब उसमें सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है। जीन प्याजे ऐसा नहीं कहते हैं, ये सोशल जो भी लैंग्वेज का सोशल नेचर है उसको बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करते हैं या उसको बहुत ही ज़्यादा ओवरलुक कर दिया कि एनवायरनमेंट का उतना ज़्यादा रोल नहीं है, और उन्होंने कहा कि पर्सनल ग्रोथ या खुद का कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और इन्होंने कहीं ना कहीं कोलैबोरेटिव प्रोसेस को भी नकारा। ठीक है, तो यही इसके डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन आप खुद भी सोचो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। कॉग्निटिव स्किल इसलिए ज़रूरी है कि आपका एक पर्टिकुलर स्टेज पे तो होना ज़रूरी है ही ना, बच्चों को आप सभी चीज़ें नहीं बता सकते, तो आपका एक पर्टिकुलर स्टेज अटेंड करना ज़रूरी है तभी सोसाइटी भी आपको हेल्प करेगी। ठीक है, और यहाँ पे फिर बात आती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, डिजीजेस की, डिसऑर्डर्स की, कोई बहुत ज़्यादा गिफ्टेड है, कोई किसी में कुछ मेंटल एबिलिटीज ऐसी नहीं है कि वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाए। तो दोनों ही कंस्ट्रक्टिविज्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद की भी बायोलॉजिकल ग्रोथ भी अच्छी होनी चाहिए तभी हम सोसाइटी की चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन हाँ सोसाइटी के बिना भी हम चीज़ों को बहुत अच्छे से नहीं समझ सकते। तो दोनों का बहुत ही ज़्यादा रोल है एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। गेट मी पॉइंट? तो ये टॉपिक बहुत ही ईजी था, तो इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म हुआ। ये कुछ रेफरेंसेस हैं, तो यहाँ से आप जाके अपनी नॉलेज को ज़्यादा एनहेंस कर लेना और ज़्यादा पढ़ लेना, और आपके जो भी कमेंट हैं, फीडबैक हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।